हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैडेट्स ज्ञान। तो आप लोगों को जो भी चैनल से रेगुलर जुड़े हैं, तो सबसे पहले अपडेट मैंने दे दिया था। जैसे ही मेल पर मैसेज आया था मेरी एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, तो मैंने शॉर्ट वीडियो पब्लिश कर दिया था। तो सबसे पहले अपडेट आपको मिल गया होगा मेरे चैनल के थ्रू जो भी जुड़े थे। अब यहाँ पर एडमिट कार्ड आप लोग किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, क्या इंस्ट्रक्शन है और आप लोगों का एग्ज़ाम कब है, तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे, कोई भी आप लोग ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो टाइप करेंगे indiannavy.cbexam.com। यहाँ पर ऊपर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये इस वेबसाइट पर आपको आना है एंड इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाए, आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ चार्ज मैन, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड आपकी DOB रहेगी एंड ये कैप्चर फिल करना है, तो इसको फिल करते हैं। जब आप लोग पासवर्ड देखिए, पासवर्ड में आपको DOB फिल करनी है एंड एप्लीकेशन नंबर डालकर आप लोग लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका एडमिट कार्ड शो होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड एग्ज़ाम डेट भी आपको बताने वाले हैं। और आपकी यदि एग्ज़ाम डेट, जैसे मेरी 15 सितंबर एग्ज़ाम डेट है, यदि आपकी 16 है या फिर 1-2 दिन है, तो आप लोग कमेंट में भी बताएंगे, तो इससे ये आइडिया लगेगा एग्ज़ाम 1 दिन में कंडक्ट हो रहा है या फिर 2 दिन में या फिर 3 दिन में। और एडमिट कार्ड देख के देखिए ऐसा लग रहा है ये जैसे कुछ यूट्यूबर बोल रहे थे कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो होगा TCS करवाएगी, तो एडमिट कार्ड देख के मैं श्योरली 99% श्योर हूँ कि यहाँ पर TCS नहीं करवाएगी। एंड अब इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपकी फ़ोटोग्राफ्स हो रही होगी। यहाँ पर आपको एक पेस्ट करनी है, ये जो आपको फ़ोटो यहाँ पर है तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कलर ले जानी है, आप हो सकता है तो 2 ले जाएं। देखिए आपको डॉक्यूमेंट में क्या ले जाना है, कोई जो भी आपने वैलिड ID दी है वो ले जा सकते हैं आप। देखिए जो भी ID ले जाएं, ओरिजिनल ले जाएं, उसकी फ़ोटो कॉपी यहाँ पर आपकी नहीं चलने वाली, चाहे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ओरिजिनल ID आपके पास 1 होनी चाहिए और फ़ोटो 2 ले जा सकते हैं और कलर साइज की पासपोर्ट फोटो जो यहाँ पर ये है, यही फ़ोटो आपको यहाँ पर ले जानी होगी एग्ज़ाम सेंटर में भी। और आप लोगों का एग्ज़ाम देख सकते हैं आप लोग, एग्ज़ाम डेट यहाँ पर दी है 15 सितंबर को एग्ज़ाम डेट है आपकी। यदि 16 है या फिर इससे पहले तो आप लोग बताएंगे, या फिर आपकी भी 15 है। और टाइमिंग देख सकते हैं 90 मिनट यहाँ पर टाइमिंग है और यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट है और यहाँ पर आपका एड्रेस दिया हुआ है कि आपका कहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और इंस्ट्रक्शन जो भी यहाँ पर देखिए कोई इम्पोर्टेंट लगेगा, तो अभी टाइम है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा कि क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। देखिए इंस्ट्रक्शन में अभी जो आपको है मैं यही बता रहा हूँ कि 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको ले जानी है एग्ज़ाम में और 1 ID ले जानी है, वो भी यानी कि फ़ोटो कॉपी नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल ID आप लोग लेकर जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर में। और कोई भी अभी देखिए इंस्ट्रक्शन हम रीड करेंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट लगता है जो आपको बताना चाहिए तो बता देंगे। और सबसे पहले मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, और इससे पहले भी जिसने वीडियो देखी होगी मैंने बताया था अगस्त के एंड में आपका एडमिट कार्ड 100% आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एंड ही चल रहा है अगस्त का और एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो गया, और मैंने ये बोला था सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट वीक बोला था तो सेकंड वीक में चला गया। कोई नहीं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, आप लोग इतना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी आप लोग एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं या फिर कुछ भी और क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन पर ज़्यादा फोकस करें और वीडियो इधर उधर कम देखें, क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाले बहुत से आप लोगों को मिल जाएंगे यूट्यूब पर। और ऑथेंटिक न्यूज़ है वही मैं देता हूँ, देखिए एडमिट कार्ड आया तो मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।